हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राहुल फिटनेस क्लब में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से फिटबुल का ये आखिरी शेक है, आखिरी स्कूप है फिटबुल का। तो मैंने इसके पहले ही बारे में बताया था कि कितना असर करेगा नहीं करेगा, पैसे लगे लेकिन मज़ा नहीं आया। लास्ट स्कूप बचा है एक आखिरी फिटबुल का, फिटबुल न्यूट्रिशन का। तो मैं इसके बारे में वीडियो बताऊँगा। ये आखिरी है, सुबह के टाइम में तो आखिरी है। तो कुछ खास मज़ा नहीं आया, कुछ खास इफेक्ट भी नहीं हुआ, कुछ खास बॉडी में फ़र्क भी नहीं हुआ, बस पैसे लगे इसके। 100 में से जैसे मान लो कि 1%, लगभग 1% यानी कि 5,000 का माल है, तो 100 रुपये का भी काम नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, हुआ नहीं हुआ, लेना है नहीं लेना है, पैसे वेस्ट है। मेरे हिसाब से तो पैसे वेस्ट है, मेरी तरफ से तो मैं इसको 1 रेटिंग भी नहीं दूंगा। तो मैं इसके आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ा वर्क है इसके बाद। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में रिव्यू दिया है, तो आज मैं फिर दूंगा फिटबुल के बारे में। ये आइसोलेट सच में इसका कोई मतलब या कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा कि फिटबुल कुछ है, इफेक्टेदार है या असरदार है, कुछ भी नहीं है इसका असर। इसकी रेट थी लगभग 5,000 रुपये और ये था यानी कि 2 महीने का प्रोटीन। और तो मैंने इसको 1 महीने में खाया है, 1 महीने में खाया था यानी कि सुबह और शाम को, दोनों दिन प्रोटीन ले रहा था। तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, आप देख सकते हो। फिटबुल वाली कंपनी है, आइसो ओल है यानी आइसोलेट और हाइड्रो आइसोलेट, तीन तरह के प्रोटीन, वे प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, हाइड्रो आइसोलेट। ये था 95% वाला आइसोलेट और 85% भी आ रहा था भी आइसोलेट वाला। तो मेरी तो यही राय है कि ऐसे वर्कआउट करें, और जो प्रोटीन या ये वाला प्रोटीन है फिटबुल कंपनी का, वो इतना खास असरदार नहीं है इसके। तो मेरे को भी थोड़ा दुख हो रहा है कि पैसे भी लगे इसके, 5,000 भी लगे, लेकिन मेरे से 1% और 2% भी इसका कुछ भी फ़र्क नहीं आया। 2% भी जितना यानी कि ये 5,000 का था, तो 2% यानी कि 200 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। इसमें तो पैसे वेस्ट गए मेरे हिसाब से। तो ये वाला बिल्कुल बकवास कंपनी, कुछ खास नहीं है इसमें। महंगे का तो महंगा है और कुछ भी असर नहीं है, बिल्कुल भी बकवास प्रोटीन है। मेरी तरफ से अगर मैं रिव्यू दूँ इसको तो एक आधा भी ना दूँ। हाँ, आधा तो फिर भी दूँ, एक तो नहीं दूँ, क्योंकि पैसे लगे लेकिन बहुत दुख हुआ कि पैसे भी लगे, कुछ असर भी नहीं हुआ। जो ट्रेनर ने बताया कैसे लेना है इसके साथ, और जो भी डाइट बताई थी मिड डे में, ऐसे जो भी और जो भी कुछ खाना था वो भी लिया उन्होंने बोला, जो सब कुछ किया मैंने, जैसे कि उन्होंने काप छोड़ने के लिए बोले वो भी किया, सारी ट्रेनिंग ली 1-1.5 महीने तक, कुछ भी असर नहीं हुआ इसका फिटबुल का बिल्कुल भी। तो मेरी पर्सनल राय यह है कि आप फिटबुल का, अगर फिटबुल प्रोटीन लेना चाहते हो तो पहले बड़े वाले से यानी 2 kg से इतने से शुरू ना करें। पहले आप 500 ग्राम आधा ग्राम ले यानी कि आधा किलो प्रोटीन लेकर उसको टेस्ट करें, उसके बाद ही महंगा प्रोटीन ले, टेस्ट करें कि उसको इफ़ेक्ट करेगा या असर करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही आप महंगा प्रोटीन ले। मैंने डायरेक्ट ही 2 kg का ये फिटबुल वाला प्रोटीन ले लिया और बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, मैं नुकसान में गया उसके हिसाब से, और भी था, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। ये मैंने फैट कम करने या फैट कटर के लिए काम आता है आइसोलेट, मसल्स तो बढ़ाता है लेकिन फैट नहीं बढ़ाता। तो फैट कम करता है, मसल्स बढ़ाता है, कटिंग लाने के लिए ये था। बिल्कुल भी कटिंग नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। आप ऐसे ये प्रोटीन बिल्कुल भी काम नहीं करा। आइसोलेट 95% वाला था, आइसो वो था, आइसोलेट आता है, हाइड्रो आइसोलेट आता है, ये हाइड्रो वाला वो था आइसोलेट, प्रीमियम वे आइसोलेट, आइसोलेट ही था ये भी, लेकिन ये 95% वाला था, कुछ भी असर नहीं है। आप चाहे किसी और कंपनी, और ये मेरे को ना ही फ्लिपकार्ट भी मिला, अमेज़ोन भी मिला, ना ही ऐसे ऐसे मिला,
ओनली फेसबुक एक पेज था जिसपे एक दो प्रोटीन के वो थे और कुछ नहीं था। इसकी पर्सनल वेबसाइट है उस पर था और ऐसे सोशल पे कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा एक बार चलो भरोसा कर ही लेते हैं, नई कंपनी है कुछ। शुरू शुरू में सभी कंपनियां थोड़ा अच्छा प्रोटीन बनाती है, अच्छा ताकि लोगों को असर करें, विश्वास जीतने के लिए अच्छा प्रोटीन बनाती है, अच्छा वो होता है, लेकिन इफेक्ट होता है, लेकिन ना बिल्कुल भी नहीं। शुरू में कंपनी नई न्यू कंपनी है, फिर भी इसमें इतना इफेक्टिवदार प्रोटीन नहीं है, पाउडर नहीं है, या माल नहीं है, अपन बोल सकते हैं माल नहीं है, इतना असरदार माल नहीं है ये प्रोटीन फिटबुल कंपनी का। तो मेरी पर्सनल राय यही है, पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, फिटबुल का आप पहले बड़ा सीधा डायरेक्ट 2 kg भी मत जाइए, क्योंकि ये 5,000 का प्रोटीन था, मैंने 2 kg में पहले मिस्टेक कर ली। आप अगर ये फिटबुल कंपनी का प्रोटीन ले रहे हो तो पहले 1/2 kg का लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके हिसाब से आप बाद में हाई पैसे या हाई उस पर जाइए। पहले लो लीजिए, सस्ता लीजिए 1/2 kg का, उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद ही आप 2 kg या 5 kg जितने kg का आप ले सकते हो उतना ही ले, फालतू में पैसे वेस्ट होंगे इसमें। तो अपनी पर्सनल राय यही है कि फिटबुल के बारे में रिव्यू मेरी तरफ से बैड रिव्यू है, कुछ कुछ इफेक्ट नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे के लगे, मज़ा नहीं आया। नो, मेरी तरफ से पर्सनल राय यही है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। कि कोई भी मैं जो मेरे को इसके बारे में यूट्यूब पे भी नहीं मिला था, यूट्यूब पे भी नहीं मिला है, इसके कोई भी इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है। मैंने पहला प्रोटीन लिया है और ये शायद मैं दूसरा, मैंने पहले भी जब शुरुआत में लेना स्टार्ट किया था तब भी इसका वीडियो बनाया था कि देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है और ये ख़त्म हो गया है, फिर से ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे मेरे को यूट्यूब पे भी नहीं मिला था इसके वीडियो फिटबुल के बारे में रिव्यू, तो इसलिए शायद मैं लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो बंदे नए हैं जिम में या फिटनेस, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि उनको नॉलेज मिले फिटबुल के बारे में, प्रोटीन अच्छा है या नहीं है। तो ये प्रोटीन अच्छा मेरे हिसाब से फिटबुल कंपनी का प्रोटीन सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप अगर फिर भी आपको विश्वास ना हो तो आप पहले इसका 1/2 kg का प्रोटीन ले और उसको इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद अगर आपको हाँ लगे कि इसमें डिफेंस आ रहा है, असर कर रहा है, कुछ बॉडी में चेंज आ रहा है, तो ही तो आप 2 kg या 1 kg, कितना 5 kg जितना ले सकते हो उतना लीजिए। लेकिन ये मैंने पहले ही 2 kg का ले लिया है, इसकी रेट दी आइसोलेट की 5,500, तो ये बहुत भारी मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा कि 5,500 भी लगे लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। इसलिए तो आप इसको मेरे हिसाब से तो नहीं ले, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप फिटबुल का प्रोटीन ना ले। आइसोलेट गेनर की अलग बात है, गेनर मैंने लिया नहीं, आइसोलेट लिया था, गेनर मैंने लिया नहीं है, आइसोलेट लिया हूँ। तो शायद यही था मैंने फिटबुल के बारे में रिव्यू, मेरी तरफ से मैं इसको एक रेटिंग भी ना दूँ, 1/2 रेटिंग फिर भी चलेगा, चलो 1/2 रेटिंग तो दे ही देते हैं जो भी ऐसे मन से, लेकिन फिटनेस जिसके इसके बारे में था 1/2 रिव्यू, 1 रिव्यू भी नहीं दूँ मैं। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फिटबुल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि फिटबुल की कंपनी कैसी है। पर्सनल एक्सपीरियंस जानने के लिए शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा मैसेज का, टेक्स्ट का, आप कुछ भी। और फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे। तो ये था फिटबुल के बारे में रिव्यू, आइसोलेट फिटबुल, तो इसके बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी नहीं मिला था मेरे को, शायद आप किसी ने डाल दिया होगा, मैंने चेक नहीं किया फिटबुल के बारे में। तो ये था फिटबुल के रिव्यू आइसोलेट के बारे में। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दबाइए, और ऐसे फिटनेस वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो, किसी की रिव्यू के बारे में एक्सरसाइज, आपको एडवांस लेवल की एक्सरसाइज सब मिल जाएगी। मैंने एक
शुरू एक एक्सरसाइज की एडवांस लेवल की, लो एक्सरसाइज लेवल की, सारी एक्सरसाइज के सीरीज शुरू कर रखी है मैंने। उसके चेस्ट और बैक के वीडियो भी डाले, तो जल्दी आपको शोल्डर के भी मिल जाएंगे, बाइसेप लेग सब के मिलेंगे, फिर आपको टुकड़ों में मिलेंगे बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज, हर एक अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज। तो वीडियो को स्किप करना ना भूले, बेल आइकन को दबाइए, घंटी दबाइए, जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपके न्यू वीडियो के साथ, राहुल फिटनेस क्लब में आपका स्वागत, थैंक यू सो मच।